तो 292 सीटें जीतने के साथ एनडीए ने जो बहुमत का आंकड़ा है उसे तो पार कर लिया है, लेकिन स्थितियां इस बार सरकार को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें दो बड़े फैक्टर हैं, चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। हालांकि अपना समर्थन सौंपने के बाद अब माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को यानी कि अब से 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या उस तारीख को, उस दिन को और जो समय होगा वो इतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर्या जी ज्योतिषाचार्य जुड़ गई हैं। वान्या जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपको लेकर, जैसे हमने 4 नंबर को लेकर बातचीत की 4 जून को क्योंकि नतीजे आए, अब शपथ हो सकती है 8 तारीख को, अब 8 तारीख को अगर शपथ ग्रहण होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पहले ये बताएं, उसके बाद हम समय पर भी बात करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। अगर हम 8 जून को अगर ये शपथ ग्रहण समारोह होता है, क्योंकि 8 जून को जो है आपका शनिवार भी है और 8 का अंक, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ हाँ, कि 8 जो नंबर है उसका मोदी जी के साथ बहुत खास कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप मोदी जी की तारीख डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं तो मोदी जी का मूलांक 8 है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनकी डेट और इनकी मंथ को ऐड करते हैं तो भी 8 पर आता है। अब बात करते हैं 8 तारीख के दिन की, वो भी शनिवार का दिन। शनिवार का नंबर जो होता है सैटरडे का, वो भी 8 पर आता है। 8 की अगर आप शेप देखते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो यहां भी एक इन्फाइनाइट विजडम, मोदी जी के जितने भी इन्फाइनाइट उन्होंने अब तक काम करे, जितनी भी डेवलपमेंट्स करी है, चाहे वो हमारे मेक इन इंडिया की हो या फिर पास डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो कितनी भी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या जो भी उन्होंने अच्छी चीजें करी हैं। और आप एक चीज और इम्पोर्टेंट देखिए, जो भी मैंने 3 दिन पहले भी जीएनटी पर बोला था कि उन्होंने जितनी भी उनकी पास डेवलपमेंट्स हैं सबकी तारीख 8 तारीख है, यहां तक कि उनकी स्ट्रीट का जो नेम है वो भी 8 पर आता है। यहां भी शनिवार का दिन, सैटर्न, आज शनि जयंती भी है, ये शनि जयंती उनके लिए काफी शुभ साबित होगी, ये साल भी शनि का है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 8 का कितना ज्यादा कनेक्शन है। एक और 8 का मैंने लिंक निकाला था कि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का अगर हम नंबर देखते हैं वो भी 8 पर है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप देखिए सब जगह से 8 आ, आप किसी चीज को भी यहाँ पर इनको ऐड करते हैं तो वो सारा घूम फिर कर 8 पर आता है। तो ये जो टाइम है इनके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि उनकी लाइफ में 8 की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। शनि जो है उनके दशम भाव में बैठा हुआ है, तो आप कनेक्शंस देखिए, इससे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ या इससे पहले जो बिफोर 2020 भी इनफैक्ट जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो सारी की सारी 8 पर है। अब इस दिन गंड योग भी है, इस दिन वृद्धि योग भी है, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है जिस टाइम पर वो शपथ लेते हैं वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मोदी जी के लिए ये जो नंबर है ये हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है। इसका एक और रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी जो है हमेशा मासिस से कनेक्ट करते हैं। सैटर्न, शनि क्या होता है, शनि कर्म फल दाता होता है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें जीवन में फल मिलता है। तो जिनके कर्म अच्छे हैं सबसे पहली बात तो उनको शनि से डरने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि वहां पर मतलब नई सरकार जब बनेगी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ये चीजें दिख रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अभी उनका जो है मंगल में शनि चल रहा है, अंतरदशा भी किसकी चल रही है, शनि की चल रही है। दिन क्या है, शनिवार, तारीख क्या है, 8 तारीख। अब मंगल में उनका शनि चल रहा है, अपने उनकी लग्नेश की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है उनको विपक्षी दलों से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस भी आएगी। बहुत सारे जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 8 तारीख की इंपॉर्टेंस आपने बताई, 8 जून में, 8 जून को जो है शनिवार है और कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए ये जो नंबर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लकी आपने बताया। आपने टाइम की बात की, तो अगर हम टाइम पे आए तो 8 जून की हमने बात की, सारी एनर्जीज की हमने बात की कि सब कुछ उनके साथ है, तो अगर आप टाइम हमें बता सके कि किस टाइम पे जो है वो शपथ ग्रहण जो है वो लेना उचित रहेगा और शुभ रहेगा। देखिए अगर वो राहु काल को अवॉइड कर देते हैं, जैसे अगर हम, मैंने आपको बताया कि 2 अच्छे योग भी हैं, एक वृद्धि योग जो है जो जून 8 को 6:27 PM पे पड़ रहा है और ये जून 9 जून तक 5:20 PM तक रहेगा,
तो ये एक थोड़ा सा जो है ये एक स्ट्रांग वाला टाइम है अगर हम इसकी बात करते हैं। एक गण योग है जो कि सुबह शाम को 8:04 PM से लेकर 8 जून को 6:27 PM, या फिर से रिपीट कर देती हूँ ये टाइमिंग्स, ये 7 जून से शुरू होकर 8:04 से 8 जून 6:27 तक रहेगा। एक वृद्धि योग होता है जो कि लाइफ में एक्सपेंशन देता है, जो कि हो सकता है कि अगर हम जैसे इस योग में अगर वो शपथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चीजों की एक्सपेंशन, उनकी प्रोग्रेस की एक्सपेंशन, उनकी सक्सेस की एक्सपेंशन, तो ये 8 जून को 6:27 पर शुरू होगा और ये 9 जून को 5:20 तक ये रहेगा वृद्धि योग। तो अगर वो इस योग को भी अगर वो यूज करते हैं तो ये टाइम पीरियड भी जो है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा।